चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर के करीब 4000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। ये वायरस केवल लोगों की सेहत खराब नहीं कर रहा है बल्कि कई देशों की अर्थव्यवस्था की सेहत भी खराब कर रहा है। भारत समेत दुनिया के बड़े देशों की इकोनॉमी की हालत लड़खड़ा रही है। भारत में इस वायरस से बचने के लिए सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को साफ सफाई की नसीहत भी दी जा रही है। मतलब साफ है, आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। लेकिन क्या आपको पता है कि कैशलेस पेमेंट के जरिए भी इस वायरस से बचा जा सकता है? नहीं, चलिए जानते हैं कैसे। जानकारों की माने तो किसी भी वायरस के फैलने में कैश यानी कि मुद्रा की सबसे बड़ी भूमिका होती है। दरअसल बाजार के चलन में जो नोट या सिक्के रहते हैं वो अलग अलग हाथों में जाते हैं। इन्हें लोग शरीर के अलग अलग हिस्सों में रखते हैं या फिर छुपाते हैं। नोट या सिक्कों को शरीर के उन हिस्सों में भी रखा जाता है जहां वायरस की सबसे अधिक संभावना रहती है। ये तय नहीं होता कि कैश किन हाथों में गया है। ये संभव है कि जिस नोट या सिक्के को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पहले किसी कोरोना वायरस के मरीज के इस्तेमाल में आया हो। ऐसे में ये वायरस जाने अनजाने में आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। यही वजह है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए कैशलेस पेमेंट पर जोर देने को कहा जा रहा है। कैशलेस पेमेंट पर जोर देने का मतलब ये है कि आप कैश की बजाय ऑनलाइन पेमेंट मोड का इस्तेमाल ज्यादा करें। इसके अलावा अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड समेत अन्य तरह के कार्ड को स्वाइप करके भी पेमेंट किया जा सकता है। इसके जरिए आप कैश के लेन देन से बच सकते हैं। इससे वायरस के फैलने की आशंका भी बेहद कम रह जाएगी। इसके अलावा आप ऑनलाइन पेमेंट के जरिए कैश के झंझट से भी मुक्ति पा सकेंगे। साथ ही अलग अलग ऑनलाइन पेमेंट मोड पर कई तरह के कैशबैक और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं, तो उससे आपका फायदा भी होगा और कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव भी।